कि यूं तो हर शय मयसई है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयसई है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अगर थोड़ी सी तालियां आपकी और मिल जाए की ममता तो के हमारे तले। उर्दू अदब का एक और लाडला शायर हाशिम भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकेगा और उसके लिए एक फील्ड तैयार हो जाएगी। मैं बंद पढ़ती हूँ समाज की जगह के। माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तकद्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। बन समाज की जगह पढ़ती हूँ कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशा। माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा। इसके कदमों से तूफान टले माँ की ममता के आंचल, माँ की ममता के आंचल तले। अगर ये बंद मैं पढ़ने जा रही हूँ अगर इसमें सच्चाई हो तो आप सभी का साथ चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। जानती हूँ कि आप सब बहुत थक चुके हैं और मैंने भी बहुत दूर का सफ़र तय किया है, यूपी से चलकर आपके बिहार समस्तीपुर में आई हूँ। और तकरीबन जब इमरान आए थे 10 साल पहले तभी मेरी भी हाज़िरी यहाँ हुई थी। मैं ये बंद बतौर ख़ास आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि माँ की ममता के आंचल तले, माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूस मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसके बरकत से ही घर चले माँ की ममता के आंचल। क्या कहने ने का साहिबा, वाह 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 वाह। ममता के आंचल तले। मारूफ भाई ने बहुत खूबसूरत निजामत की और आपने बहुत खूबसूरती के साथ मुशायरे को समाप्त किया। मेरे यहाँ जितने बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, जितने बड़े भाई तशरीफ रखते हैं, ये बंद मैं बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ और छोटे भाइयों को बताना चाहती हूँ कि अगर माँ के मर्तबे को इतना बुलंद रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप के मर्तबे को कम कर दिया गया है, उसकी अजमत को कम कर दिया गया है। अगर जन्नत पर ताला लगा दिया जाए तो उस जन्नत पे के ताले की जो चाबी होती है वो वालिद मोहतरम के हवाले कर दी जाती है। मैं ये आखिरी बंद पढ़ती हूँ, आप सबकी जहमत तमाम करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। के गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मरता बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं,
नहीं मरता बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले माँ की ममता के आंचल। क्या कहने क्या कहने भाई, क्या कहने मोहतरमा, क्या खूबसूरत नज्म। मैं एक बहुत दसबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो पीछे हैं प्लीज जरा सा आगे आ जाएं, थोड़ी सी तकलीफ कर लें तो बड़ी आसानी से हम आपसे जुड़ सकेंगे। बहुत आप पूरी रात आपने मेरा साथ दिया है, थोड़ा सा साथ और दे दें। जो लोग बचे हुए हैं प्लीज प्लीज आगे आ जाएं, और आप सब प्लीज बैठ जाइए ना, आराम से बैठिए, वीआईपी लाउंज में बैठिए। मैं अब सीधे सीधे उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिससे आप जिस बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ हैं। चार मिसरे और उन्हें दावत दे रहा हूँ कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। आपके जज्बात और एहसासात को शायरी बनाकर इस अंदाज में मुशायरों में पेश करने वाला शायर कि आपकी धड़कनें उसके साथ हो जाया करती हैं और वो मुशायरे की जमानत बन जाता है कामयाबी की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब से, ये लगना नहीं चाहिए कि कुछ कुर्सियां खाली हैं, पुरजोर तालियां और थोड़ा सा और जागिए पुरजोर हाशिम फिरोजाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाएंगे आप तो अच्छा लगेगा सामने। आ जाओ भाई प्लीज आ जाओ आ जाओ। गुजारिश है अगर खड़े रहें चाहे तो खड़े रह सकते हैं, चाहे अच्छा लगेगा आ जाइए प्लीज। ये नाज़िम मुशायरा है भाई मारूफ साहब, अल्लाह इनको और मारूफ करे आमीन। और जैसा कि खाली कुर्सियां, अब तो खाली हैं कुर्सियां ही हिस्से में आती हैं, खाली कुर्सियां ही हिस्से में आती हैं। आई प्लीज ए छोटू भैया, ए बेटा। A1 मुशायरा मीडिया आजमगढ़ से इसको रिकॉर्ड कर रहा है, हम पूरी रात रिकॉर्ड किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। भाई हाशिम फिरोजाबादी आपसे मुखातिब है। हाजरीन बहुत शुक्रिया, ये जो इस वक्त लोग बैठे हैं ये मेरे लिए काफी है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, मेरे लिए काफी है आप। अगर एक शख्स भी इस मैदान में बैठा होता तो मैं उतना ही ईमानदार होता। क्या कहने हैं क्या कहने हाशिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद हाशिम भाई, वाह वाह वाह। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आप मुशायरा सुनना चाहते हैं कि शायरी, और आपके मिजाज, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। मेरे पास कुछ शेर ऐसे भी है, ये टेंट वेंट सब उड़ा दूंगा ये मैं ये आपको आप कहते प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ। मैं कुछ अच्छा करूं ना करूं, समस्तीपुर वालों ताजपुर वालों, मैं मुशायरा बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जब आप इस वक्त बैठे हैं तो मुझे भी ईमानदार होना चाहिए। इजाजत मतलब सुने के बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मतलब सुने के अकेलेपन की अजब इम्तिहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इम्तिहाएं करता है, अकेलेपन की अजब इम्तिहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साए क्या अच्छा मतलब है आहा, बहुत, आहा, बहुत अच्छा आहा, अच्छी शायरी पर। लेकिन मैं एक मारूफ एक गुजारिश करूं जी, तुम मुझे दाद मत देना। ओके। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है वो तुम्हारे दाद में खो जाते हैं है ना। मैं चाहता हूँ जब मारूफ शुरू से मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ जी। सुनिएगा मोहतरम, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। मैं वादा करता हूं ताजपुर वालों, ये जो खाली कुर्सियां ना ये भी तालियां बजाएंगी, बस 5 मिनट मुझे दे दो। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। आहा, आहा, क्या कहने क्या कहने, मेरी नजर से नजर मिला नहीं सकता,
क्या कहने, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर। तुमने लिख के दिया क्या? पहले सुनो तो, अकेले पन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आप शायरी सुन रहे, बहुत अच्छा लगा, आपने गजल सुनी बहुत अच्छा लगा, कि अकेले पंखिया जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। ये बेटा मोबाइल नीचे कर। अब अच्छा तू वीडियो बनाएगा, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू बेकार हो जाएगा। सुने, अकेले पंखिया जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मतलब सुने के आप बैठे हैं, तो मैं ईमानदारी से शायरी सुनाता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। ये शौरा इकराम मुझसे कह रहे थे, और जो मेरे मोहब्बत करने वाले हाशिम भाई, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? तो मैंने इनसे कहा था मैं आज आखिर में पढ़ूंगा, तो लोगों ने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता है, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया।